गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रश्मि एंड आज मैंने दिया है ESICSSO प्रीलिम्स का मॉक नंबर 7। और तो फिर देख लेते हैं मेरे कितने मार्क्स हैं, क्या स्कोर है मेरा। सो लेट्स सी। ओके, सो मॉक नंबर 7 में मेरा 65 स्कोर आया है। अभी ये कुछ 822 बच्चों ने दिया है, उसमें से मेरी रैंक 30 है, परसेंटाइल है 96, एक्यूरेसी है 85%। और अब अटेम्प्ट की बात करते हैं, इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट, उसमें से 12 रॉ, रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट, क्वांट में 28 अटेम्प्ट। तो अभी बात करती हूँ मैं इसके सेक्शनल वाइज की। तो जो रीजनिंग है ना, इसकी रीजनिंग में जो उन्होंने पजल्स दी हैं तो वो मुझे PO के प्री लेवल की पजल्स लगी, ठीक है। क्योंकि जो अभी जहाँ तक मुझे पता है जो SSO का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है ये नियर अबाउट क्लर्क जैसा ही रहता है, या फिर क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर, बट नॉट एग्जैक्टली जो PO लेवल का जो प्री होता है वैसा नहीं होता। तो फिर इसमें जो इन्होंने पजल्स दी थी ये मुझे PO के लेवल की लगी, प्री एग्जाम की, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर उसके बावजूद भी जैसे तैसे मैंने किया, 27 अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो ओके बोले तो मतलब काफ़ी सही है, और क्वांट में भी 28 क्वाइट गुड। और इंग्लिश में पता नहीं क्या हो रहा है यार, इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नज़र लग गई, कल मेरे 14 रॉन्ग थे, आज मेरे 12 रॉन्ग हो गए हैं। डोंट नो, क्योंकि एक तो ना मुझे वो भी नहीं आती, idioms एंड phrases नहीं आती, वो तो मुझे आती नहीं, लेकिन मेरे क्या हो रहा है उल्टा, आजकल मेरा एरर डिटेक्शन भी गलत जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। दो तीन दिन बीच में मैंने परफेक्शन क्लास देखना बंद कर दिया था, हालांकि पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, बट मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस नहीं की दो तीन दिन, शायद इसी वजह से हो रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो रहा है थोड़ा। और जो भी है खैर उसे तो मैं देखूंगी, बट इंग्लिश रॉन्ग जा रही है। तो एक बार मैं टॉपर का स्कोर भी देख लूँ, टॉपर का स्कोर है 78.25। ओके, तो फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ मेरा इंग्लिश में क्या रॉन्ग हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये भी बताना चाहिए आखिर आपका रॉन्ग हुआ क्या है। तो वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, बिकॉज टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना मुझे। तो देखिए ये तो रीअरेंज करने वाला है, ये सारा ठीक है, यहाँ पर एक अनसीन पैसेज का ये थोड़ा सा थोड़ा क्या मतलब एक गलत हो गया, ट्रैक्शन थोड़े ऐसे उटपटांग से सिनोनिम और एंटोनिम डाल देंगे ये लोग, इसको तो मैं काउंट करती नहीं ना अपनी मिस्टेक में। ये वाला फ्रेज रिप्लेसमेंट भी थोड़ा सा गलत हो गया, अभी देखो उन्होंने यहाँ पे ये ऐसी फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेजेस दे दिए, फ्रेजल वर्ब कहते हैं शायद। और एरर डिटेक्शन, पहले मेरा एरर डिटेक्शन बिल्कुल सही मेरी इसमें कमांड थी, बट आजकल छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे कि मैं आपको बताऊं कहाँ गया वो, हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नहीं देखा, मुझे लगा टू के साथ जो बेस वर्ब आती है तो मुझे लगा टू के साथ प्रोटेक्ट होगा, बट नहीं, यहाँ पर तो मैंने देखा ही नहीं कि जो यंग पीपल, ये प्लूरल सेंस में बात की गई है तो यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क, यहाँ पर रिक्वायर्स नहीं रिक्वायर होना चाहिए था, तो ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, कौन सी मिस्टेक होती है वो, पता नहीं कौन सी होती है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं मॉक नंबर 8 में, अपने मार्क्स शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और हाँ, थोड़ा सा जो रिकॉर्ड होता है तो उसमें थोड़ी सी जो साउंड की प्रॉब्लम रहती है, बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक नया फ़ोन लूँगी, फिर उससे जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, जो ऑडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।